तो आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि बेंजो कैसे सीखा जाता है। अगर आप बेंजो शौकीन है, बेंजो सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि बेंजो कैसे सीखा जाता है। देखिए यार, बेंजो में आपको ऐसे बटन दिख रहे होते हैं नए प्लेयर के लिए, एक ऐसा चीज हो जाता है बेंजो की समझ में नहीं आता है कि गाना कहाँ से चालू होगा और कौन कौन से बटन पे जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ पे कुछ भी चीज समझ नहीं आता है। लेकिन जो एक बार बेंजो प्ले कर लेता है उसके लिए ये नॉर्मल हो जाता है। तो इस ये नॉर्मल कैसे होता है इसी को मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें गाना कैसे बजता है ये चीज पूरा आपको समझाऊंगा, ताकि आप जब भी भविष्य में बेंजो खरीदें या आपके पास बेंजो है तो आप बेंजो बजाना आसानी से सीख जाए। ठीक है, तो चलिए बेंजो के बारे में पूरा बेसिक जानकारी आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसमें गाना कैसे चलता है। तो ये देखिए, जो बेंजो होता है ना उस पे हमको पहले सबसे पहले तो हमको एक स्केल च्वाइस करना होता है कि हम कौन से स्केल से बजाएंगे। स्केल क्या होता है इसको पहले पूरा डिक्लेयर कर दूं। स्केल वही होता है जिसके ऊपर, देखिए इसमें जैसे कि हारमोनियम में आपको बताते हैं कि एक सप्तक पे 12 स्केल होते हैं, सेम टू सेम वहां यहाँ पे भी वही चीज लागू है। ठीक है, स्केल किसे कहते हैं, स्वरों के समूह को स्केल कहते हैं। जैसे कि यहां से एक स्केल में बनाऊंगा तो एक स्केल, तो स्वरों का समूह मतलब क्या होता है, स्वरों का समूह होता है सारे गामा पा धा नि सा। तो इस जगह को अगर मैं सा मान के स्केल बनाता हूं तो सारे गामा पा धा नि सा जो मैं बजाऊंगा उसी को हम एक स्केल बोलेंगे। तो यहां से जब सारे गामा पा धा नि सा बजाएंगे तो कैसे बजेगा, देखिए ये हमारा एक स्केल हो गया। ठीक है, अब यहां से मैंने सारे गामा पा धा नि सा क्यों बनाया है इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। जब भी आप बेंजो बजाएंगे तो बेंजो का पांचवा बटन ही सा बनाना। देखिए इधर से 1 2 3 4 5 पांचवा बटन सा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, पांचवा बटन को जब हम सा बनाएंगे तो मान लो अगर हम यहाँ पांच को काली दो पे ट्यून करते हैं तो हम काली तीन से भी यहीं से बजा लेंगे और काली चार से भी इसी ट्यूनिंग पे बजा लेंगे। मान लो आपने काली तीन पे यहाँ को ट्यून कर दिया और कोई गायक काली दो पे गाता है तो आप यहां से फिर बेंजो नहीं बजा पाएंगे क्योंकि उस पर आपको बटन नहीं मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताता हूं, यहां पास को जब हम लोग सा बनाते हैं तो हमें नीचे जाने के लिए प तक बटन चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हारमोनियम पे बताता हूं कि कई सारे ऐसे गाने होते हैं जो प से चालू होते हैं, जैसे कि ये गाना, ये दुआ है मेरी रब से। तो ये गाना कैसे चालू हो रहा है, ये दुआ मेरी रब से। तो ये यहाँ पे गाना कहाँ से चालू हो रहा है, प से। प कौन सा है, खुला बटन, ये हमारा सा है। अब नीचे की ओर अगर हम जाते हैं, सा नी कोमल नी धा, उसके बाद आ गया कोमल धा, फिर हमारा जो ये हम कर रहे हैं ना ये प है, प कोमल धा शुद्ध धा कोमल नी शुद्ध नी सा, फिर से कोमल रे शुद्ध रे कोमल गा शुद्ध गा मा तीव्र मा प कोमल धा शुद्ध धा कोमल नी शुद्ध नी सा, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेंजो पे पांचवा बटन को हम सा मानते हैं। ठीक, अब बेंजो पे पांचवा बटन को हमने सा मान लिया, क्यों माना है ये चीज भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए यहाँ पास को सा बनाते हैं क्योंकि हमको पीछे तरफ प तक का बटन मिल जाता है। ठीक है, ऐसे तो बेंजो में आप कहीं भी को सा बनाकर बजा सकते हैं, यहाँ पास को सा बना लीजिए, यहाँ पास को सा बना लीजिए, लेकिन एक मेन जो हमारा होता है शेड्यूल वो यहाँ पे होता है कि हम यहाँ पास को जब सा बना देते हैं तो काली दो पे हमने ट्यून कर दिया तो ये हमारा काली दो है, जैसे कि डी सार, तो ई एफ एफ सार, ये हमारा काली तीन हो गया, फिर ये हमारा काली चार हो जाएगा। तो यहाँ पे काली दो पे ट्यून करके काली तीन और काली चार पे भी हम बेंजो बजा सकते हैं। ठीक है, बेंजो एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है कि हम जब हारमोनियम के साथ बजाएं तो उसी स्केल पे हमें बजाना पड़ता है जिस स्केल पे हारमोनियम वादक बजा रहा है। तो हारमोनियम वादक मान लो काली दो पे बजा रहा है, ठीक है, तो हम काली दो पे यहां से बजाएंगे, उसी समय वो दूसरे गाने को काली तीन पे बजा देगा तो हम काली तीन पे यहाँ को सा मान के बजाएंगे, उसी समय वो कोई गाना काली चार पे बजा देगा तो हम यहाँ पास को काली चार मान के बजाएंगे, है ना। तो जैसे जैसे गायक या वादक स्केल चेंज करेगा हमें भी अपना स्केल चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी जगह से बजाए तो हम यहीं से बजाएंगे, ऐसे भी हो सकता है कंडीशन में यहाँ पास को जैसे आपने काली दो पे ट्यून किया है, ठीक है, ये अभी काली दो पे मान लो तो हमें तार को टाइट करके काली तीन करना होगा, तो कोई प्रोग्राम में हम बैठे रहेंगे तो तुरंत तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से करना पड़ता है। ये सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में और जानकारी दूंगा। आज हम सीखते हैं बेंजो पे गाना कैसे निकलता है। ठीक है, बहुत सारे बेसिक जानकारी है बेंजो के बारे में, मैं कोई और वीडियो में आपको आधा घंटे तक लगभग अच्छे से समझाऊंगा। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेंजो पे गाना कैसे निकलता है। सेम हारमोनियम पे जो मामला फिट होता है वही मामला यहाँ पे भी फिट होता है।
ये अगर हमारा सा है तो हम कोई भी गाना निकालें, यहाँ पास को सा मान के अगर हम निकालेंगे तो हमें आसानी होगा गाना निकालने में, ठीक है। और अगर हम यहां से कोई भी जगह से ऐसे बजा बजा के देखेंगे तो वो चीज नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोला कि पहले आप स्केल फिक्स कीजिए। अभी बेंजो पे जैसे हमने स्केल फिक्स कर लिया ना, स्केल फिक्स कर लिया, ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा, ये हमारा एक स्केल है, स्वरों का समूह है। अब इसी समूह में हमको गाना बजाना है, तो ये हमारा सा है, तो सबसे पहले तो हम सा को देखेंगे, फिर ग कौन सा, ये हमारा ग है, फिर प कौन सा, ये हमारा प है, और पीछे का प कौन सा है, ये हमारा पीछे का प है। तो कोई भी गाना हम जब निकालेंगे तो सा ग प से ज्यादा निकालेंगे, क्योंकि हारमोनियम पे भी मैं आपको बताता हूँ कि सा ग प से बहुत सारे गाने निकलते हैं। अब यहाँ पास को सा मान के हम जब बजाते हैं तो हम कोई भी गाना बजाएंगे ना, तो यहीं पास को सा मान के बजाना, ऐसा नहीं कहीं पास को भी सा मान के बजा देंगे, यहाँ पास को अगर सा मान के आप बजाएंगे तो काफी सारे गाने आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि हमने चलो यहाँ पास को सा बना दिया, सारे गमा पता नहीं सर सब बजा लिया, अब गाना कैसे निकलेगा, गाना उसमें निकल ही नहीं रहे, हमने सा बना दिया फिर भी नहीं निकल रहा है। तो ये चीज क्या होता है, दो चार गाने आप हारमोनियम ट्यूटोरियल देखकर बेंजो पे निकालना चालू कीजिए। जैसे कि हारमोनियम पे कोई बता रहा है, ठीक है, आपको बेंजो पे पता चल गया सारे गमा पदा निसा, बेंजो पे आपको पता चल गया, आप कोई हारमोनियम पे बता रहा है परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो वो कैसे बताएगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, बेंजो हम चलाते हैं ना तो पूरा खेल जो होता है पत्ती का होता है, ठीक, बेंजो जो इंस्ट्रूमेंट है वो पत्ती का खेल का इंस्ट्रूमेंट है। बटन में हमें कम मेहनत करना पड़ता है और ज्यादा मेहनत हमें करना पड़ता है पत्ती पे, पत्ती पे हम जितना अच्छा फोकस देंगे उतना अच्छा हमारा बेंजो बजेगा। मान लो हम बजाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पत्ती को जैसे जैसे घुमा के हम बजाएंगे वैसे हमारा बेंजो बजेगा, ठीक है, तो पत्ती का भी खेल रहता है। अभी हम जो मेन टॉपिक था हमारा कि बेंजो पे गाना कैसे निकलता है उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बोल देंगे बेंजो पे गाना कैसे निकलेगा करके वीडियो में लाए थे लेकिन वो चीज तो बताई है। तो यार अगर आप स्केल फिक्स कर लेते हैं, अब इसी स्केल में आप दो चार गाने हारमोनियम पे देखिए और सरगम को याद करके, जैसे कि ओम जय जगदीश हरे, इस प्रकार से आप हारमोनियम पे ट्यूटोरियल देखिए, वो हारमोनियम पे बजाएगा और आप उसी स्केल को यहाँ पे ट्यून करके बेंजो पे बजाइए। जैसे जैसे आपको थोड़ा दो चार गाना आप बजा लेंगे तो आपको स्केल वाइज चलना आ जाएगा, जब आप स्केल वाइज चलना सीख जाएंगे तो बेंजो बजाना भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बेंजो बजाना सीखना बहुत ही आसान है, बस आपको पत्ती चलाना सीखना पड़ेगा, हाथ अपने आप चल जाएगा, बस पत्ती चलाना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, आगे के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो भी टॉपिक आपको चाहिए होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना बेंजो सीखने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए सिक्के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।